देखिए हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताऊंगी जिससे आपको भारतीय होने पर और भारतीय सेना पर बहुत ही गर्व महसूस होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं news.live और मैं हूं आपके साथ प्रेक्षा पांडे। भारतीय सेना ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ लगातार भारत अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाता जा रहा है। AI टेक्नोलॉजी के युग में भारतीय सेना खुद को टेक फ्रेंडली बनाने की ओर लगातार प्रयासरत है। भारतीय सेना का शौर्य देखकर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि हमारी सेना दुनिया भर में मौजूद सेनाओं के मुकाबले कितनी ताकतवर है। तो आपको बता दें कि इस बात की जानकारी विश्व रक्षा और सैन्य स्थिति पर नजर रखने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने दी है। जी हां, साल 2024 की सैन्य शक्ति रैंकिंग लिस्ट सामने आ गई है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग फॉर 2024 की रिपोर्ट में 145 देशों की सेनाओं का मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट में पहले नंबर पर अमेरिका की सेना है, रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रूस की सेना, तीसरे नंबर पर चीन को रखा गया है और चौथे नंबर पर है भारत की सेना। बता दें कि पांचवें नंबर पर दक्षिण कोरिया की सेना है, इसके बाद छठे नंबर पर ब्रिटेन की सेना, सातवें नंबर पर जापान, आठवें पर तुर्की, नौवें पर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और दसवें पर इटली की सेना है। पावर इंडेक्स स्कोर की बात करें तो अमेरिका का पावर इंडेक्स 0.0699 है, वहीं भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1023 है। डाटा के मुताबिक पाकिस्तान का पावर इंडेक्स 0.1711 है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक दुनिया के कम शक्तिशाली सेना वाले देशों की बात करें तो इनमें पहले नंबर पर आता है भूटान। लिस्ट में भूटान को दुनिया की सबसे कम ताकतवर सेना का नाम दिया गया है। भूटान के बाद दूसरे नंबर पर मोल्दोवा, तीसरे नंबर पर सुरीनामे, चौथे नंबर पर सोमालिया, पांचवें नंबर पर बेनिन आता है। भूटान के पावर इंडेक्स स्कोर की बात करें तो इसका पावर इंडेक्स स्कोर 6.3704 है। क्या होता है पावर इंडेक्स स्कोर, चलिए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। 145 देशों की मिलिट्री स्ट्रेंथ आकलन करने वाली वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर ने सैनिकों की तादाद, सैन्य उपकरण, आर्थिक स्थिरता और संसाधन समेत 60 क्षेत्रों के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद रैंकिंग तय की है। इन सभी मानकों को मिलाकर पावर इंडेक्स स्कोर तैयार किया जाता है। अमेरिकी सेना की ताकत की बात करें तो इनके सैन्यकर्मी 21.27 लाख से ज्यादा हैं, वायुसेना में 7 लाख से ज्यादा लोग हैं, 896 अटैक फाइटर जेट, 957 ट्रांसपोर्ट विमान, 5,737 हेलीकॉप्टर्स, 4,657 टैंक्स हैं। वहीं रैंकिंग में दूसरे नंबर पर रूस का नाम है। रूसी सेना की ताकत की बात करें तो इनके सैन्यकर्मी 35.70 लाख से ज्यादा हैं, वायुसेना में 1.65 लाख से ज्यादा लोग हैं, 5.50 लाख से ज्यादा लोग थल सेना में हैं, नौसेना में 1.60 से ज्यादा लोग हैं, 730 फाइटर जेट हैं, 453 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 569 हेलीकॉप्टर्स हैं। चीनी सेना की ताकत के बारे में बात करें तो 31.70 लाख सैन्यकर्मी हैं, वायुसेना में 4 लाख से ज्यादा लोग हैं, 25.45 लाख से ज्यादा लोग थल सेना में हैं, नौसेना में 3.80 लाख से ज्यादा लोग हैं, 371 फाइटर जेट, 279 ट्रांसपोर्ट विमान, 281 हेलीकॉप्टर्स, 5,000 टैंक्स हैं। भारतीय सेना की ताकत की बात करें तो 91.37 लाख से ज्यादा सैन्यकर्मी हैं, 25.27 लाख पैरामेट्रिक है, 11.55 लाख रिजर्व पर्सनल्स हैं, वायुसेना में 3.10 लाख से ज्यादा लोग हैं, 21 लाख से ज्यादा लोग थल सेना में हैं, 1.42 लाख से ज्यादा लोग नौसेना में हैं। भारत के पास 130 फाइटर जेट हैं, 264 ट्रांसपोर्ट विमान हैं, 70 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं, 869 हेलीकॉप्टर्स हैं, थल सेना के पास 4,614 टैंक्स मौजूद हैं, 1,882 आर्म्ड व्हीकल हैं, थल सेना के पास 100 सेल्फ प्रोक्लेम्ड आर्टिलरी है और 3,311 हल्की आर्टिलरी है। इसके अलावा थल सेना के पास 1,500 रॉकेट आर्टिलरी है। ऐसी और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें hinnews.live।